पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कल एक सोशल मीडिया से बयान जारी कर चेतावनी दी गई सी उस सरकारी मुलाजमान नूं जिहड़े धरना ला के लोगों के कामकार नहीं करते तो धरना लगाते सो अज पंजाब सरकार द्वारा एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है जिसके तहत कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर कोई करेगा तो उन्हें अपनी नौकरी तो भी हाथ धोना पै सकता। सो इस वेले पटवारखाने के मौजूद है क्योंकि पटवारी द्वारा कल तो अपने प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले से 1 तरीक उन्होंने धरना सरकार के खिलाफ किया जाना सी क्योंकि जेडे अन्ना दे जी तनखावां दी जड़ियाँ नहीं वधियां तो नाल ही प्रमोशन भी ड्यू सी। सो इस वजह नाल उन्हां दा धरना प्रदर्शन किया जाना सी लेकिन इस तो पहला ही पंजाब सरकार द्वारा एस्मा एक्ट लागू कर दिता गया। यह एक्ट 31 अक्तूबर तक जारी रहेगा लागू रहेगा। सो पंजाब दे विच 31 अक्तूबर तक अगर यह एक्ट लागू रहिंदा तो कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। सो इस दे तहत अगर किसी की मंगा दे तहत कोई अगर अपना धरना प्रदर्शन करना चाहता तो हुण एस्मा एक्ट के तहत अगला कोई भी प्रदर्शनकारी अपने जिहड़े धरने नूं रोक लगाएगा धरना नहीं कर पाएगा। अगर कोई धरना करता तो उसनूं अपनी नौकरी तो भी हाथ धोना पै सकता। सो इसकी जिहड़ी चेतावनी कल ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा अपने सोशल मीडिया से जारी की गई सी ते नाल ही लोगों का साथ भी किया गया सी कि लोगों की खज्जल खुआरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि इस तो पहला गल करिए तो अमृतसर के या पंजाब भर के डीसी दफ्तर का जिहड़ा स्टाफ है वह भी पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नज़र आते। सो हुण इस एक्ट के तहत लोगों को एक राहत वाली खबर जरूर है क्योंकि लोग जो अपना काम करा जाते थे तो उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा सी। जिहड़े मुलाजम होंदे सी उत्थे वो धरना लगा के बैठे होंदे सी सो उसनू उन्होंने खज्जल खुआरी बड़ी होंदी सी। सो हुण इस दे तहत लोगों नूं एक राहत की खबर जरूर है हुण लोग अपना काम जरूर करा सकते हैं क्योंकि धरने अगर नहीं लगनगे तो पंजाब की ट्रैफिक व्यवस्था के विच भी सुधार आएगा तो लोगों के काम भी आराम नाल हो सकनगे। अमित शर्मा पंजाब तक अमृतसर।